हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रतीक सर और आप मैं सारे स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल द ऑर्गेनिक पॉइंट पे। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि हमारी नेम रिलेशन की सीरीज चल रही है और नेम रिलेशन की सीरीज में हमने जो है वो दो लेक्चर्स आपको दे दिए। आज इस तीसरे लेक्चर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स है क्योंकि इस लेक्चर में जो है वो सब कुछ मिलेगा आपको और सारी चीज़ें अगर आपने कंसंट्रेशन से पढ़ी तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। आज के इस लेक्चर में जो है वो मैं आपको नेम रिएक्शन से स्टार्ट करूंगा। रीअरेंजमेंट बेस्ड नेम रिएक्शंस जो है वो कैसे आपको पढ़ना है, किस तरह से डील करना है वो स्टार्ट करूंगा। कल मैंने आपको बेसिकली ब्रीफ तो कर दिया था, पिछली वीडियो में ब्रीफ तो कर दिया था कि किस हिसाब से चलना है, लेकिन आपको आज जो है वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि नेम रिएक्शंस को कैसे पढ़ना है। तो मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा आपको वो ये कि आज जो है स्टार्टिंग में पहले जो है, चूँकि मैंने कल आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि रीअरेंजमेंट टाइप के नेम रिएक्शंस हम पढ़ने जा रहे हैं और उसमें पहले हम न्यूक्लियोफिलिक टाइप के रीअरेंजमेंट्स की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को, और बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर बता दूँगा, ये कि आप सिस्टमेटिक तरीके से पूरा पढ़िए और प्लेलिस्ट मैंने बना दी है आपके लिए, तो उस प्लेलिस्ट को फॉलो करिए। उसके हिसाब से लेक्चर्स जो आपने पहले नहीं पढ़े हैं या किसी वजह से आप नहीं पढ़ पाए हैं तो उनको भी फॉलो करिए, सिस्टमेटिक रहिए, तभी आपको ज़्यादा फायदा होगा। ठीक, सो आज जो है बेसिकली वो क्या होगा, आज होगा हमारा नेम रिएक्शन का तीसरा लेक्चर, सीरीज का हमारा तीसरा लेक्चर है, थर्ड लेक्चर है हमारा। ठीक, थर्ड लेक्चर है और आज इस लेक्चर में मैं आपको बेसिकली जो फोकस करवाऊंगा वो नेम रिएक्शंस पर फोकस करवाऊंगा। ठीक, और नेम रिएक्शंस हमारा बेसिकली नो डाउट रीअरेंजमेंट नेम रिएक्शन होगा, रीअरेंजमेंट टाइप नेम रिएक्शंस होंगे। और रीअरेंजमेंट टाइप के नेम रिएक्शंस में नेम रिएक्शंस को किस तरीके से पढ़ना है वो हम आपको बताएंगे, और हमारा फोकस देखिए मेनली किस पर रहेगा, हमारा फोकस रहेगा न्यूक्लियोफिलिक टाइप के रीअरेंजमेंट, न्यूक्लियोफिलिक टाइप रीअरेंजमेंट, न्यूक्लियोफिलिक टाइप रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक की भी बात करेंगे लेकिन उनकी हम बात बाद में करेंगे, मिसलेनियस रीअरेंजमेंट्स की भी बात करेंगे, कार्बिन नाइट्रीन के रीअरेंजमेंट्स की भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से लिंक करते हुए। अब रीअरेंजमेंट नेम रिएक्शंस का बेसिक्स मैं आपको बता चुका हूं, तो अब आपको सिर्फ ये समझना है कि रीअरेंजमेंट नेम रिएक्शंस का नेम रिएक्शंस के साथ कोरिलेशन करके कैसे पढ़ना है और उनके सवालों को किस तरीके से रिएक्शन में यूज करना है, आज मैं आपको वही बताने वाला हूं। चलिए, तो नेम रिएक्शंस में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, नेम रिएक्शंस में सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि जो भी रीअरेंजमेंट नेम रिएक्शंस या जो भी नेम रिएक्शंस हम पढ़ते हैं उनको हम अलग अलग तरीकों से स्केटर्ड मैनर में पढ़ते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं। ये नेम रिएक्शन ये करता है, इस नेम रिएक्शन में ये होता है, इस नेम रिएक्शन में ये होता है, इसमें ये प्रोडक्ट बनता है, रट्टा मारते हैं, पूरी डेफिनेशन याद कर लेते हैं, कुछ उसके मैकेनिज्म याद कर लेते हैं, उनकी कुछ प्रॉब्लम्स याद कर लेते हैं और फिर बाद में उसको भूल जाते हैं या लिंक नहीं कर पाते। ध्यान रखिएगा बेटा, नेम रिएक्शन हमेशा कनेक्टिविटी के साथ पूछा जाता है, नेम रिएक्शन हमेशा लिंक करके पूछा जाता है और वो तभी आप कर सकते हैं जब आप उसको तरीके से लिंक करके पढ़ें। तो मैं आपको यहां ये बताने जा रहा हूं कि अब आपको नेम रिएक्शंस पढ़ना कैसे है रीअरेंजमेंट वाले। तो रीअरेंजमेंट वाले नेम रिएक्शंस के लिए मैं आपको एक चार्ट देता हूं, चार्ट यानी कि रीअरेंजमेंट का एक समराइजेशन चार्ट, किस तरीके से नेम रिएक्शंस को रिटेन करना है, किस तरीके से उनको पढ़ना है वो आपको इस चार्ट में समझ में आएगा। तो पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस चार्ट क्या है और किस तरीके से इसको पढ़ा जाता है, ये किस तरह से आपकी मदद करेगा। चलिए आ गया मैं, ये हमारा रीअरेंजमेंट रिएक्शंस का चार्ट है। ठीक, इस चार्ट को पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं, उससे पहले मैं आपसे थोड़ी सी बात कर लूं। रीअरेंजमेंट रिएक्शंस या कोई भी नेम रिएक्शंस को याद करने में सबसे बड़ी टैक्टिक होती है कि उस रीअरेंजमेंट का सबस्ट्रेट क्या है या उस नेम रिएक्शन का सबस्ट्रेट क्या है या किस तरह का सबस्ट्रेट। देखिए, दो चीज होती है,
एक तो पर्टिकुलरली वही सब्सट्रेट हो सकता है, दूसरा हो ही नहीं सकता। एक होता टाइप ऑफ सब्सट्रेट। टाइप ऑफ सब्सट्रेट का मतलब ये हो गया कि आप उससे मिलता जुलता भी कोई सब्सट्रेट ले सकते हैं, उससे मिलती जुलती भी कोई स्पीसीज ले सकते हैं, उससे मिलती जुलती कोई फंक्शनल ग्रुप ले सकते हैं। तो मैं पहले इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, आप एक मिनट इसको देखिए, इसके बाद सर जो है मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। ये है इस चार्ट को मैंने कैसे एक्सप्लेन करना है थोड़ा आपको बताता हूँ। इधर मैंने नाम लिखा हुआ है नेम ऑफ रियलाइनमेंट। आपको ये चार्ट जो है वो मैं लिंक के साथ पीडीएफ के फॉर्म में शेयर कर दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको बढ़िया दिखेगा। क्योंकि मैं ज़्यादा जूम भी नहीं कर रहा था, ज़्यादा जूम करूंगा तो ये जो है वो क्रॉस आउट हो जाएगा। दूसरा जो है वो क्या सब्सट्रेट है, तीसरा क्या कंडीशन ली गई है, रिएजेंट कंडीशन क्या ली गई है, और चौथा प्रोडक्ट क्या है, और उसके बाद पांचवें में मैंने मिसलेनियस कुछ चीज़ें बताई हैं जो इम्पॉर्टेंट है उस नेम रिएक्शन से। वैसे तो इसमें नेम रिएक्शन के फॉर्म में कितने नेम रिएक्शन मैं आपको बता दूँ, इसमें नेम रिएक्शन जो हैं वो हैं टोटल 14 नेम रिएक्शन कवर किए हैं रियलाइनमेंट की। लेकिन मैं इसको और बढ़ाऊंगा और एक्सटेंड करूंगा और ज़्यादा नेम रिएक्शन मैं आपके लिए ऐड करवाऊंगा। तो अब आप इसको पढ़ेंगे कैसे, थोड़ा देखिए। एक चीज़ हमेशा अपने माइंड में बैठा लीजिए कि कोई भी नेम रिएक्शन हमको तभी दिमाग में रिटेन रहेगा जब हम उस नेम रिएक्शन को क्लासीफाई करके पढ़ेंगे, लिंक करके पढ़ेंगे उसके पर्टिकुलर मैकेनिज्म के साथ, जो मैंने आपको करवा दिया। बेसिक्स में आपको बता दी कि कौन कौन तरीके से नेम रिएक्शन को पढ़ा जाता है और उनमें क्या बेसिक्स होती हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, रियलाइनमेंट रिएक्शन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अगर आपको ये बात पता है कि ये पर्टिकुलर नेम रिएक्शन इस पर्टिकुलर टाइप के सब्सट्रेट के साथ होता है, इस पर्टिकुलर टाइप के रीजन कंडीशन में होता है, इस पर्टिकुलर टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है इसमें, और वो एक पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में आपको याद नहीं करना, आपको टाइप्स में याद करना है। मतलब किस तरह का सब्सट्रेट हो सकता है, उससे मिलते जुलते कैसे स्ट्रक्चर्स उसमें पॉसिबल हो सकती हैं, और कैसी रिएजेंट कंडीशन हो सकती है। देखिए एसिड का मतलब कोई भी एसिड, मिनरल एसिड का मतलब कोई भी एसिड, लुईस एसिड का मतलब कोई भी लुईस एसिड, बेस का मतलब कोई भी बेस। कोई ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलरली एक ही बेस आपको इस्तेमाल करना है। और फिर अगर कोई पर्टिकुलर टाइप का प्रोडक्ट बन रहा है, स्पेसिफिक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। और अगर आप उस रीअरेंजमेंट की कुछ खास बातें आप समझ पाए हैं, कुछ स्पेसिफिक बातें समझ पाए हैं, तो वो भी लिंक करके आपको समझना है। अब ये आपकी मदद कैसे करेगा, ये आपकी मदद ऐसे करेगा, ये आपके पास हमेशा चार्ट के फॉर्म में रहेगा, आप इसको बार बार देखते रहेंगे, बार बार पढ़ते रहेंगे, बार बार समझते रहेंगे। जितना आप इसको पढ़ेंगे, जितना आप इसको समझेंगे, उतना ही आपको ये रिटेन होता जाएगा। फिर इसको करना कैसे है भैया, करना ऐसे है कि प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना उसको आप लिंक करोगे अलग अलग क्वेश्चंस में, जितना उसको रीजन के साथ मिलाओगे, उतना आपको फायदा होगा। सो द बेसिक्स ऑफ दिस रीअरेंजमेंट रिएक्शन चार्ट इज, फर्स्ट यू हैव टू नो अबाउट द नेम रिएक्शन, देन यू हैव टू नो अबाउट द सबस्ट्रेट टाइप, नॉट एनी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट टाइप कैसा हो सकता है, व्हाट टाइप ऑफ रिएजन कंडीशंस आर यूज्ड, what type of products will form, and if any particular specific condition is given or a specific point is given with this particular type of rearrangement name reaction, so वो भी आपको mention करना है। अब इसमें देखिए कितने name reactions हैं, मैं आपको बता देता हूँ। उसमें देखिए कितने हैं, पहले pinnacle pinnaclone rearrangement है, फिर semi pinnaclone rearrangement है, फिर Wagner Meyer Wien rearrangement है, फिर टिफनू डैमजारो रीअरेंजमेंट है, फिर वुल्फ रीअरेंजमेंट है, एंडाइस्टर्ड रिएक्शन है, डाइनोन फिनॉल रीअरेंजमेंट है, बेयरवेजर ऑक्सीडेशन रीअरेंजमेंट है, डेकिन रीअरेंजमेंट है। ये आपको मिल जाएगा, सब्सक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, पीडीएफ आपको लिंक रहेगी, शेयर कर दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। बेकमंस रीअरेंजमेंट है, उसके बाद नीवर रीअरेंजमेंट है, बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट है, टावर्सकी है, सेमी बेंजिलिक है, और सॉमेट है। देखिए अब अगर कहीं पर आपको पिनेकल पिनेक्लोन रीअरेंजमेंट मिले, तो अक्सर लोग करते क्या है कि नेम रिएक्शन में पिनेकल पिनेक्लोन में ऐसे पढ़ते हैं कि फॉर एनी पर्टिकुलर 1,2-diol इफ सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड देन कीटोन और एल्डिहाइड प्रोडक्ट विल फॉर्म, दैट इज कॉल्ड पिनेकल पिनेक्लोन रीअरेंजमेंट। देखिए ये गलत है। तरीके से क्या करना चाहिए कि कोई भी तरीके की आपको 1,2-diol स्पीसीज मिल जाए, उसके साथ किसी भी तरीके का एसिड या लूज एसिड ले लें आप, वो पिनेकल पिनेक्लोन रीअरेंजमेंट दे सकता है अगर उसमें स्टेबल कार्बोकैटायन बन के
रीअरेंजमेंट देने की टेंडेंसी हो तो आपको क्या समझना होगा, आपको ये समझना होगा कि किसी भी तरीके का हम साइक्लिक या एसाइक्लिक डाइऑल लें, उसके साथ किसी भी तरीके का एसिड रिएजेंट लें, चाहे वो आप देख लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, थोड़ा जूम करके देख लीजिएगा, किसी भी तरीके का मिनरल एसिड अगर उसके साथ हम ले लें, जैसे देखिए हमने जूम करा, किसी भी तरीके का हमने मिनरल एसिड ले लिया, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया या फॉस्फोरिक एसिड ले लिया या पॉलीफॉस्फोरिक एसिड ले लिया या ऑर्गेनिक एसिड, मान लीजिए पैराटॉलुइन सल्फोनिक एसिड ले लिया, या मान लीजिए कोई लुईस एसिड ले लिया, बीएफ ले लिया, जिंक जेडेंसीएटू ले लिया, मैग्नीज क्लोराइड ले लिया, मैग्नीशियम क्लोराइड ले लिया, TiCl4 ले लिया, SmI2 ले लिया, बहुत सारे लुईस एसिड्स होते हैं, इंडियम ट्रिफ्लेट ले लिया, लैंथन ट्रिफ्लेट ले लिया, वो कोई भी लुईस एसिड लेंगे तो वहाँ पर जो रीअरेंजमेंट होगा 1-2 टाइप का, उसको हमेशा पिनेकल पिनेक्लोन रीअरेंजमेंट बोलेंगे, जिसको आप एल्डिहाइड या कीटोन के फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात ऐसी है कि सेमी पिनेक्लोन क्या है। सेमी पिनेक्लोन देखिए ऐसा है कि अगर किसी भी साइक्लिक या एसाइक्लिक सब्सट्रेट में OH है, OH सैचुरेटेड कार्बन पे, और उसके एडजेसेंट पे किसी भी तरीके का लीविंग ग्रुप है, चाहे वो Cl है, चाहे वो Br है, चाहे वो I है, चाहे OTS है, चाहे OTF है, चाहे OMS है, चाहे ONS है, चाहे इपॉक्साइड रिंग है, कैसा भी लीविंग ग्रुप है, डायगिटाइज करके N2+। अगर OH या O जैसा OH जैसा कोई भी ग्रुप है और उसके बगल में सैचुरेटेड कार्बन पे और उसके बगल में किसी भी तरीके का लीविंग ग्रुप है, या रिएजेंट कंडीशन से वो लीविंग ग्रुप बन सकता है, तो वो हमेशा सेमी पिनेक्लोन रिएजेंट करता है। ये उसको याद करने का तरीका है, लोग उसको रट्टा मारते हैं सेमी पिनेक्लोन में, आपने भी पढ़ा होगा इसको, लेकिन याद नहीं करना है। तो मैंने ये चार्ट आपके लिए अपलोड कर देना है। इस चार्ट को पढ़ना कैसे है बेटा, आपको इस चार्ट को इस तरीके से पढ़ना है कि आपको यहाँ पर ये दिमाग में रखना है कि इस तरह का सबस्ट्रेट अगर हम लेंगे, इस टाइप का सबस्ट्रेट अगर हम लेंगे और उस पर इस तरह की रिएजेंट कंडीशन लगाएंगे, तो उस पर इस तरीके का नेमरेशन होगा और उसमें ये प्रोडक्ट बनेगा। रट्टा नहीं मारना, समझ के करना है, लिंक करके करना है, और जितनी बार आप इसको करेंगे आपको ये रिटेन होता जाएगा। अगर आपके पास वैगनर मियरबीन रीअरेंजमेंट है तो आपको पता होना चाहिए कि वैगनर मियरबीन रीअरेंजमेंट का मतलब है कि किसी भी तरीके से आप कार्बोकैटायन भराओ, डाइजेशन को छोड़ के, प्राइमरी NH2 के डाइजेशन को छोड़ के किसी भी तरीके से कार्बन भराओ और उसको स्टेबलाइज करने के लिए मोर स्टेबल कार्बन में उसको चेंज कर दो, अगर 1-2 शिफ्ट के थ्रू या 1-2 रीअरेंजमेंट के थ्रू, तो उसको वैगनर मियरबीन रीअरेंजमेंट बोलते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि भाई टिफनी डैमजनो क्या, टिफनी डैमजनो का मतलब ये हुआ कि अगर आप प्राइमरी NH2 के डाइजेशन करके उसका कार्बन जनरेट करो और उसको रीअरेंज करो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में, तो उसको बोलते हैं टिफनी डैमजनो रीअरेंजमेंट। और अगर आप वो डाइनोन फिनॉल रिएजमेंट बोलते हैं तो आपसे कोई पूछेगा डाइनोन फिनॉल रिएजमेंट क्या है, उसका भी सबस्ट्रेट इंपॉर्टेंट है। साइक्लोहेक्साडाइनोन ले लो जिसके पैरा पर दो सब्सिट्यूएंट लगे हों और उसको किसी एसिड या लुईस एसिड के साथ ट्रीट करो, तो वहां होता है डाइनोन के साथ फिनॉल रिएजमेंट। अगर आप फेवर्स की लेते हो तो आपको पता होना चाहिए कि वहां पर हमें कोई भी कीटोन लेना है, चाहे साइक्लिक लूँ चाहे एसाइक्लिक लूँ, उसके एक तरफ मैं लीविंग ग्रुप ले लूँ और दूसरी तरफ कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो, चाहे न्यूक्लियोफिलिक या नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस लूँ, उसके साथ होता है फ्लावर्स की रीअरेंजमेंट। और अगर उसके एक अल्फा पर लीविंग ग्रुप लूँ लेकिन दूसरे अल्फा पर हाइड्रोजन ना लूँ, तो न्यूक्लियोफिलिक बेस के साथ या न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज के साथ वो देता है सेमी बेंजिलिक एसिड या कॉसी फ्लावर्स की रीअरेंजमेंट। अगर मैं बात करूं बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट की, तो किसी भी सबस्ट्रेट में अगर 1-2 डाई कार्बोनाइल है या 1-2 डाई कीटोन है या 1-2 डाई एल्डिहाइड है और उसको मैं किसी बेस के साथ ट्रीट कर रहा हूं, वो भी न्यूक्लियोफिलिक बेस, स्पेशली NaOH वाटर या KOH वाटर के साथ, तो वो देता है बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। अगर मैं बात करता हूँ बेयर वेल्जर ऑक्सीडेशन की, तो उसमें भी सबस्ट्रेट इंपॉर्टेंट है, उसका सबस्ट्रेट होता है कार्बोनाइल यानी एल्डिहाइड या कीटोन, मोस्टली कीटोन। और उस पर अगर मैं कोई पर एसिड रिएजेंट लगा दूं, चाहे MCPBH, चाहे CF3CO3H, चाहे H2O2ACOH, चाहे जो है वो आपका जो है कैरोस एसिड, चाहे मार्सल्स एसिड, किसी भी तरीके का पर एसिड ले लूं, पर एसिटिक एसिड, तो वहां पर जो ऑक्सीजन संरक्षण होता है या कार्बन टू ऑक्सीजन माइग्रेशन होता है, उसको बोलते हैं बेयर वेल्जर ऑक्सीडेशन। अगर मैं स्पेशली जो है एरोमेटिक साइक्लिक एरोमेटिक कीटोन ले लूं, स्पेशली जो है वो बेंजीनॉइड एरोमेटिक टाइप का कीटोन ले लूं और उस पर जो है वो H2O2NOH लगा करके सेम यही तरीके का रीअरेंजमेंट कराऊं, तो वहां पर होता है डेकिन रीअरेंजमेंट। अगर मैं जो है वो कीटोन पे ऑक्साइन बना लूं और ऑक्साइन को जो है वो एसिड से ट्रीट करूं और रीअरेंजमेंट परफॉर्म करूं, तो उसको मैं बोलता हूं बेकमान रीअरेंजमेंट। अगर उसी रिएक्शन में रीअरेंजमेंट ना करके मैं उसको तोड़ दूं और साइनाइड का फॉर्मेशन कर दूं, उसको बोलते हैं बेकमान फ्रैगमेंटेशन। खाने जो है वो पूरा सबस्ट्रेट पर इर्द गिर्द है, लेकिन किस तरह का सबस्ट्रेट, किस टाइप का सबस्ट्रेट, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ यहाँ पे
जितने भी तरीके के आपको यहाँ पर इस चार्ट को आप मैंने तरीका बता दिया आपको किस तरह से पढ़ना है, सिस्टमेटिक रहिएगा, किस तरीके का आपको सब्सट्रेट लेना है, किस तरीके की रीजन कंडीशन लेनी है, टाइप कैसा है, एसिड है कोई भी एसिड हो सकता है, लुइस एसिड है तो कोई भी लुइस एसिड हो सकता है, बेस है कोई भी बेस हो सकता है। आपको रटना नहीं है, याद नहीं करना है, समझना है, कोरिलेट करना है, लिंक करना है। अब मैं पूरा आपको दिखा देता हूँ, टिफ्रिडामजेनो है, फिर वुल्फ रीअरेंजमेंट है, फिर डाइनोन फिनोल है, फिर बियर वेजर है, डेकिन है, बिकमोन है, लीबर है, बेंजिल बेंजिलिक है, फावर्सकी है, सेमी बेंजिलिक है, और सॉलिड हाउसर है। देखिए इसमें बहुत सारे रीअरेंजमेंट्स अभी अपडेट नहीं है, तो वो मैं आपके लिए अपडेट कर दूंगा, आपको बता दूंगा कि उसको किस तरीके से पढ़ना है। अब आप एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी नेम रिएक्शन एक एक करके याद नहीं करना, सबको क्लब कर दीजिए, टेबल में लाइए, उसके कंसेप्ट को लिंक करिए, स्टीरोकेमिस्ट्री का क्या रोल था उसको लिंक करिए, रिएजेंट का क्या रोल था उसको लिंक करिए, नेम रिएक्शन तैयार, सब आपके दिमाग में रहेगा, भूलेंगे भी नहीं। अगर भूलते हैं बार बार इस चार्ट को देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसको याद रखना। अगर आप याद नहीं रखेंगे तो फिर वो आपको किसी भी तरीके से एग्जाम में किसी भी प्रकार की मदद नहीं कर पाएगा। अब हम आपको इसका एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं कि चाहे स्ट्रक्चर छोटा हो चाहे स्ट्रक्चर बड़ा हो, वहां पर इसका फायदा क्या होगा। ठीक, मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूं, नेट के पेपर का एग्जाम्पल लेता हूं। ये एक एग्जाम्पल है आपके लिए, थोड़ा सा हल्का सा छोटा कर दूं। बड़ा अजीब सा स्ट्रक्चर है, लेकिन फिर भी देखिए मैंने क्या बताया था आपको, अगर आप रट्टा मारेंगे कि किसी भी कीटोन पे, सपोज करें ऐसे मैंने रट्टा मारा कि इफ यू विल टेक अल्फा ब्रोमो कीटोन एंड ट्रीटेड विद द सोडियम इथॉक्साइड, देन साइक्लोप्रोपेनोन फॉर्मेशन विल अकर फॉलोड बाय क्लीवेज ऑफ साइक्लोप्रोपेनोन टू गिव एस्टर, रीअरेंज एस्टर, दैट इज कॉल्ड फावर्सकी रीअरेंजमेंट, तो ठीक नहीं होगा, उसको याद नहीं करना, लिंक करके थोड़ा पढ़ना। कोई भी कीटोन हो चाहे साइक्लिक हो चाहे साइक्लिक हो, एनी टाइप ऑफ कीटोन आइदर साइक्लिक और एसाइक्लिक, इफ हैविंग वन लीविंग ग्रुप एट वन कार्बन, वन अल्फा कार्बन, ये दूसरे अल्फा पर हाइड्रोजन। अब आप देखें ध्यान से, तो यहां पर पहले तो हमने उस तरीके का कोई रिएजेंट ही नहीं लिया है जो बेस का काम करे, तो एसिड है, तो यहां क्या हो रहा है, ये एक अलग प्रोसेस है। यहाँ पर आइए पहले देखिए इस कीटोन के ये किस तरीके से हो रहा है, दैट इज अदर थिंग, ये इनॉल के थ्रू हो रहा है, और वो किस तरीके से होगा, उसके क्या मैकेनिज्म होगी, क्या प्रोसीजर होगा, वो मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं थोड़ा नेम मेंशन नहीं कर रहा हूँ। देखिए ध्यान से बेटा, इस कीटोन के एक अल्फा पर लीविंग ग्रुप है, लेकिन दूसरे अल्फा पर देखिए हाइड्रोजन नहीं है। तो अगर ऐसा है तो मैंने आपको बताया किसी भी तरीके के न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज लोगे, चाहे वो बेस हो चाहे न्यूक्लियोफाइल हो, वो सेमी पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट। ये तुमको कैसे पता चलेगा भाई, नेम रिएक्शन में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आदमी कोई भी नेम रिएक्शन किसी स्ट्रक्चर पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ एक डेफिनेशन बना के याद करता है, और वो डेफिनेशन अगर वो भूल गया तो भी मामला गया, और हमेशा वही सबस्ट्रेट तो आपको एग्जाम में पूछेगा नहीं, बदल के पूछेगा, रिएजेंट वही तो देगा नहीं, बदल के देगा, तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि वो नेम रिएक्शन है। अब आपको आता सब कुछ है, पढ़ा भी आपने, मैकेनिज्म भी पता है, लेकिन आप कर नहीं पाएंगे। तो ध्यान रखिए बेटा, यहाँ पर ये आगे जो है वो जो कार्बन का माइनस है न्यूक्लियोफाइल है, उसके साथ ये सेमी पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट कर रहा है, और सेमी पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट तभी आपके समझ में आएगा जब आप इसको उस टेबल के थ्रू लिंक करके समझ के उसको पढ़ेंगे। देखिए मेमोराइज करना है, लेकिन समझ के उसको मेमोराइज करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ये नेट के पेपर में पूछा गया था, और अभी हाल फिलहाल में ही पूछा गया है नेट के पेपर में, जो हमारा आपके पेपर हुआ है अभी हाल फिलहाल में, इसका आपको रिजल्ट भी आ चुका है, यानी कि जो हमारा दिसंबर 2019 का अभी जो पेपर हुआ था उसका ये सवाल है। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको, लिंक कैसे करना है, इस टेबल का भी मतलब समझ में आ गया होगा, टेबल को कैसे लीड करना है। ठीक, अब थोड़े मैं आपको कुछ अपनी तरफ से एग्जांपल देता हूँ।
सपोज करिए, मैंने एक सवाल लिया, अब मुझे तो कुछ पता नहीं है कि किस तरह से रीअरेंजमेंट होगा, क्या होगा, किस तरह का बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, ये सवाल है। अब थोड़ा देखिएगा ध्यान से बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। देन एनीवे क्या करती है, अब भाई आपके पास ये सवाल अगर मान लीजिए लिखा हुआ है तो आपको कैसे पता कि ये सवाल किस रीअरेंजमेंट का, क्या इसके ऊपर कोई बिल्ला लगा होगा, टैग लगा होगा, कुछ लिखा होगा कि ये रीअरेंजमेंट होता है ना, आप कैसे गेस करेंगे। सबसे बढ़िया और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आसान तरीका है आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप। भाई देखो यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है। अब आप उसके साथ जो लिखी हुई चीज है, उसके साथ जो लिखा हुआ रिएजेंट है, उसको लिंक कर। देखो डीएमएपी, डीएमएपी का मतलब डाइमिथाइल एमिनोपिरिडिन बेस, पिरिडिन भी क्या है, बेस, वीक बेस है लेकिन बेस है। बेस क्या करता है भैया, बेस उसका प्रोटॉन निकालता है जो सबजर एसिडिक हो, और सबजर एसिडिक प्रोटॉन इसमें कौन है, OH का प्रोटॉन क्यों एसिडिक है, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन क्या करेगा भैया, हाइड्रोजन निकलने के बाद ओ के माइनस को स्टेबलाइज करेगा ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से। फिर ओ माइनस बनेगा, उससे क्या होगा, ओ माइनस विल एक्ट एज अ गुड न्यूक्लियोफाइल। देन व्हाट विल हैपन, द ओ न्यूक्लियोफाइल टेंड्स टू अटैक एट दिस ग्रुप TFOMS। बढ़िया, लेकिन ग्रुप कौन है, OTF। तो ये क्या करेगा, प्रोटॉन निकालने के बाद जो ओ माइनस बनाएगा उस O- का इस पे अटैक करेगा और इसको निकाल देगा। यानी कि OH को पहले आप OMS में चेंज कर रहे हैं, और देखिएगा ध्यान से इसमें क्या हो रहा है, पहले ये क्या कर रहा है, OH को OMS में चेंज कर रहा है। उसके बाद क्या है भाई, जाहिर सी बात है जब ये बढ़िया लीविंग ग्रुप में चेंज हो गया, तब हमको इसके साथ अगर नेम रिएक्शन लिंक्ड नहीं रहेगा, याद नहीं रहेगा, मेमोराइज नहीं रहेगा, तरीके से पढ़ा नहीं हुआ होगा, तो कर नहीं पाएंगे सवाल। तो क्या तरीका है इसका, इसका तरीका लिंक करिए और वो चार्ट आप दिमाग में रखिए जो मैंने पहले बताया। सैचुरेटेड कार्बन पर अगर आपके पास OH हो या OH जैसा कोई भी ग्रुप हो, कोई भी हो सकता है, OR हो सकता है, O3 हो सकता है, O- हो सकता है, ऑक्सीजन वाला कोई भी ग्रुप हो सकता है, उसके बगल में लीविंग ग्रुप है, था नहीं लेकिन बना है, इस बेस की मदद से बना है। तो क्या होगा भैया, कुछ नहीं होगा, ये हो गया जहां लीविंग ग्रुप है, ये हो गया माइग्रेटरी टर्मिनस, ये जहां जिस कार्बन पर आपके पास OMe है, ये हो गया माइग्रेटरी ओरिजिन, और इस पे जो आपके दो बॉन्ड है, देखिए एक तो बॉन्ड ये है जिसके, इसको आपने बोला कि भैया ये है माइग्रेटरी टर्मिनस और ये है माइग्रेटरी ओरिजिन, तो जो ये कार्बन है इन दो ग्रुप्स को छोड़ दिया जाए तो एक बॉन्ड ये है और एक बॉन्ड ये है, तो यहां पर माइग्रेशन होगा, और माइग्रेशन होगा रिंग के बॉन्ड का, और रिंग के बॉन्ड का माइग्रेशन कराएंगे तो उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड चेक करना पड़ेगा, क्योंकि दो अलग अलग तरीके के रिंग बॉन्ड, एक रिंग बॉन्ड ये है और एक रिंग बॉन्ड ये है। तो मैं आपको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का सीरीज बता दूंगा कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का सीरीज क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली किसका माइग्रेशन ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी होती है और किसका माइग्रेशन होने की कम पॉसिबिलिटी होती है। तो मैं आपको यहाँ बता दूं, जो ये साइल ग्रुप है इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है, तो ये यहाँ आएगा
ये बगल में शिफ्ट होगा और ये निकल जाएगा। और मैंने बताया कि OH जैसा कोई भी ग्रुप हो सेचुरेटेड कार्बन पे और उसके बगल में लीविंग ग्रुप हो तो उसको बोलते हैं सेमी पेनाक्लोन रिएक्शन। तो बेटा ये तो अगर रिएजेंट के साथ लिंक करके पूछ लिया जाए, इसके आगे और रिएजेंट लगा दिया जाए, तो जब तक आपको नेम रिएक्शन नहीं आएगा आप तो सवाल ही नहीं कर पाएंगे। तो तरीका क्या होना चाहिए? तरीका ये होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको दिमाग में रखें, उसको लिंक्ड करके मेमोराइज रखें। जितना आपको लिंक्ड रहेगा मेमोराइज रहेगा उतना आप आसानी से पेपर में सवाल कर सकते हैं। सो यू हैव टू टेक केयर अबाउट द नेम रिएक्शन रीअरेंजमेंट रिएक्शन पर्टिकुलरली विद द सबस्ट्रेट एंड पर्टिकुलरली विद दैट पर्टिकुलर रिएजेंट कंडीशन और जो भी उसके साथ हो रहा है वो लिंक करके। तो जाहिर सी बात है कि ये 5 से 6 हो गया, इसका मतलब यहाँ पर अब हमको सेमी पेनाक्लोन रिंग एक्सपेंशन मिला। और ये 5 से 6 हो जाने का मतलब ये हुआ कि तो कीटोन ये था और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड ओ और एम ई और पॉजिटिव चार्ज आ गया, अरे बीच में वो कार्बन आ गया जहाँ पे ओ एम एस था, ये निकल गया। अगर आप ध्यान से देखिए तो मैं अगर आपको लिंक करूँ तो ये जो बॉन्ड था, ये वाला बॉन्ड जो अभी इस कार्बन पर आया, मैं नंबरिंग कर देता हूँ, ये हमारा 1 है और ये हमारा 2 है। आपका जो ये वाला जो बॉन्ड था वो पहले कहाँ था, ये देखिए पहले यहाँ था ये, ठीक, और अब ये कहाँ आ गया, अब ये यहाँ आ गया। देखिए पहले ये कहाँ था, 1 पे था, अब ये टूट के कहाँ आ गया, 2 पे। इसका मतलब कि पहले 5 था और ये टूट के 2 पे आ गया, यानी कि 6 हो गया। तो आप इसको बोलोगे सेमी पेनाक्लोन रिंग एक्सपेंशन, और सेमी पेनाक्लोन रिंग एक्सपेंशन में ये बन गया सी डबल बॉन्ड ओ पॉजिटिव चार्ज, डेफिनेटली इसमें मिथेनॉल अटैक कर देगा, और मिथेनॉल अटैक कर देगा तो इस कार्बन पर 2 एमी आ जाएगा। यानी कहने का मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, पहले स्टेप को अप्लाई करने के बाद आपका जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए क्या वो हो जाएगा, आपका सी डबल बॉन्ड ओ ओ एम ई। ये हमारा पहला प्रोडक्ट हो गया, और ये पहला प्रोडक्ट हमको मिला है सेमी पेनाक्लोन रीअरेंजमेंट से। सेमी पेनाक्लोन रीअरेंजमेंट का एक पर्टिकुलर केस याद कर लेने से आप इस सवाल को नहीं कर पाएंगे, आपको टाइप ऑफ सबस्ट्रेट माइंड में बैठाना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, देन कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, तब आप उसको पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हैं, समझ के पढ़ेंगे तो। और वो टेबल के फॉर्म में, चार्ट के फॉर्म में सिंक्रोनाइज्ड रहेगा आपके लिए तो। वैसे अभी आपको बहुत सारे मैं रीअरेंजमेंट लूंगा, उसको साथ लिंक करूंगा, जितना आप उसको कंसाइज्ड वे में पढ़ेंगे उतना आपको फायदा होगा। अब क्या है बेटा, एक कार्बन पर 2 एमी है, 2 ओआर ग्रुप है, उसको एसिटल बोलते हैं। तो डेफिनेटली इसको बाद अगर मैं इसके ऊपर TSOH और वाटर लगा दूँ तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ये इस OMe का डी प्रोडक्शन हो जाएगा एसिटल का, और डी प्रोडक्शन होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में, यानी कि ये बन गया 1,3-डाइकीटोन। अब आप ये सवाल कैसे कर पाएंगे पेपर में, बताइए बेटा कैसे कर पाएंगे, जब तक आप इसको लिंक नहीं करेंगे, जब तक आप इसको लिंक करके नहीं पढ़ेंगे, ठीक। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया, अब मैं आपको एग्जांपल नेट के पेपर का उठा रहा हूँ, उसको देखिए थोड़ा सा, थोड़ा समझिए जो मैंने आपको टेबल समझाया वो क्या है। अभी मैंने नेम रिएक्शन स्टार्ट नहीं किया, मैं समझा रहा हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है, किस तरीके से रिटेन करना है, फिर मैं एक एक करके सारे नेम रिएक्शन को उठाऊंगा। लेकिन ये क्या है, मैं आपको कैटेगरी वाइज नेम रिएक्शन पढ़ाऊंगा, मतलब कहने का मतलब रीअरेंजमेंट नेम रिएक्शन पढ़ाऊंगा, लेकिन उसकी कैटेगरी बना के पढ़ाऊंगा, उसको रटवाऊंगा नहीं आपको कि पर्टिकुलरली एक नेम रिएक्शन ले लिया और उसको रटवा दिया, आपको वो नहीं करूंगा। एक तरह से देखिए तो मैं सारे नेम रिएक्शन को अगर चार्ट में एक्सप्लेन कर दूं तो नेम रिएक्शन खत्म, लेकिन प्रैक्टिस जितना आप करेंगे उतना आपको फायदा होगा। एग्जाम्पल और देखिए थोड़ा सा, आपका जो ये सवाल होगा ये मैं ओपन कर लेता हूँ, CSIR का पेपर है, उसका एक सवाल लेकर के मैं आपको समझाता हूँ, आपको बढ़िया समझ में आएगा, क्योंकि लिंक करके बताने से ही समझ में आती है चीजें। ये सवाल होगा आपका दिसंबर 2016 का, दिसंबर 2016 का सवाल है, थोड़ा दिखाता हूँ, ये बिल्कुल सवाल आपका आ गया, सवाल नंबर है, क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर है 110,
ये सब है। वैसे तो कह रहा है कि क्या इंटरमीडिएट बनेगा बीच में, वो पूछ रहा है हमसे, बट हाउ टू कनेक्ट कि कौन सा नेम रिलेशन है, और अगर इसमें नेम रिलेशन है भी तो वो क्या है। अब ध्यान से देखिए बेटा, तो आप गौर करेंगे कि मैंने आपको बताया था कि ओ एच या ओ एच जैसा कोई ग्रुप होना चाहिए और उसके बगल में लिविंग ग्रुप होना चाहिए। लिविंग ग्रुप थैलियम है, यहाँ पे थैलियम है। थैलियम कहाँ से आ रहा है? थैलियम नाइट्रेट से आ रहा है। टी एल एन ओ टू जो है वो यहाँ से आ रहा है। टी एल एन ओ थ्री ट्वाइस यहाँ से आ रहा है। अब ध्यान से देखिए तो यहाँ पर भी लिविंग ग्रुप है ओ टी एस के साथ, ओ एम ई के साथ, और यहाँ पर भी लिविंग ग्रुप है ओ एम ई के साथ। अब जाहिर सी बात है कि अगर आप गौर करें, इसको थोड़ा जूम कर दूं आपके लिए हल्का सा। अब आप देखें ध्यान से तो पहले तो ये इसे इंटरेक्ट कर रहा है, इंटरेक्ट करके वो एक तरीके का ऐसी स्पीसीज जनरेट कर रहा है ट्वाइस पॉजिटिव चार्ज के साथ, फिर इस पे मिथेनॉल अटैक कर रहा है। यार सी बात है, जब किसी केमिस्ट्री की होगी उसके अपोजिट साइड से अटैक करेगा। तो अब इस पे अगर मैं बनाऊं तो टी एल एन ओ थ्री ट्वाइस है और एक ओ एम ई है। वैसे ओ एम ई ऊपर है, ऊपर कर दिए, यहाँ ओ एम ई हो इस पर आपका ओ एम ई है, जहां से आपका ये ग्रुप जुड़ा हुआ है ये है माइग्रेटरी ओरिजिन, और जहां पे आपका ये लीविंग ग्रुप है थैलियम वाला, ये है आपका माइग्रेटरी टर्मिनस। और आपके पास दो बॉन्ड है, एक बॉन्ड ये है और एक बॉन्ड ये है, एक एच है और एक ही बॉन्ड है। तो मैं आपको आगे समझाऊंगा कि माइग्रेशन कैसे किया जाता है और माइग्रेटरी एटीट्यूड कब देखा जाता है, कब स्टीरियोकेमिस्ट्री के बाउंडेशन को चेक किया जाता है, क्या तरीका होता है किसी भी ग्रुप को माइग्रेट कराने का। तो वो अभी मैं समझा नहीं रहा, अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि नेम रिलेशन कैसे। तो देखिए, एक कार्बन पर देखिए ओ आर है, ओ एम ई है, और उसके बगल में लिविंग ग्रुप है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सेमी पेनाक्लोन रीअरेंजमेंट है। और बेटा यहाँ पर सेमी पेनाक्लोन रीअरेंजमेंट में जो आपको ये बॉन्ड दिखाई दे रहा है, चूंकि ये वाला बॉन्ड जो है वो इस वाले लिविंग ग्रुप के साथ एंटी पेरिप्लेनर है। मैं बताऊंगा आपको एंटी पेरिप्लेनर क्या होता है, तो ये इधर आकर इसको निकाल देगा। यानी कहने का मतलब क्या होगा, यहाँ पर रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा और सेमी पेनाक्लोन टाइप का रिंग कॉन्ट्रैक्शन उसको बोलेंगे, और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फिर डबल बॉन्ड ओ ओ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मिथेनॉल अटैक कर देगा, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल कराया है उसी तरीके का। अब सोचिए, कोई अगर मान लीजिए कि वो एग्जांपल किया है और पेपर में ये आ गया, तो अगर रट्टा मारा होगा तो नहीं कर पाएगा, लेकिन समझ के पढ़ा होगा तो कर लेगा। तो ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि टेबल को किस तरीके से समराइज करना है, टेबल को इस तरह से समराइज करना है कि जो भी नेम रिलेशन मैं पढ़ने जा रहा हूँ रीअरेंजमेंट का, वो पर्टिकुलर नेम रिलेशन मैं टेबुलेट करूंगा माइंड में कि वो किस सबस्ट्रेट के साथ हो सकता है, किस तरह की रीजन कंडीशन हो सकती है, किस तरीके का प्रोडक्ट हो सकता है, टाइप ऑफ सबस्ट्रेट, टाइप ऑफ रीएजेंट एंड टाइप ऑफ प्रोडक्ट। डोंट मेमोराइज अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट, यही पर्टिकुलर सबस्ट्रेट सेमी पेनाक्लोन देता है, यही पर्टिकुलर सबस्ट्रेट बेंजिल बेंजिलिक देता है, यही पर्टिकुलर सबस्ट्रेट सेमी बेंजिलिक देता है। ना इसको याद नहीं करना, लिंक करिए, कोरिलेट करिए, तब आपको फायदा होगा। तो मैंने आपको समझा दिया। तो ये हमारा जो है वो बेसिकली आज जो हमारा नेम रिएक्शंस पढ़ने का तरीका था वो क्या था, वो मैंने आपको क्लियर करा दिया। और ये इसका आंसर जो होगा दूसरा होगा, थर्ड सेकेंड आंसर होगा। अब मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दूं बेटा, वो ये आज का लेक्चर यहीं रोकते हैं क्योंकि मैंने आपको समराइज कर दिया। ये जो पीडीएफ है मैं आपको इस लिंक के साथ शेयर कर दूंगा, वीडियो के साथ शेयर कर दूंगा आपको ये लिंक, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको अपडेट भी करूंगा मैं और चेंज भी करूंगा। अब हम जो है वो अब हम पढ़ेंगे कंडीशंस ऑफ रीअरेंजमेंट, कि भैया किस तरह की कंडीशंस हमको फॉलो करनी है, कंडीशंस ऑफ रीअरेंजमेंट पहली। दूसरी बात पढ़ेंगे हम स्टीरियोकेमिस्ट्री
ऑफ रीअरेंजमेंट, और तीसरी चीज पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ रीअरेंजमेंट विद फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन। फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन के साथ उसका क्या कंपैरिजन होता है? लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, तब तक आप इसको अच्छे से रिटेन नहीं कर पाएंगे जब तक समझ के नहीं पढ़ेंगे, और समझ के पढ़ने के लिए कंटेंट बढ़ाने के लिए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स बढ़ानी पड़ती है। तो अब आपके लिए मैं लेके आ रहा हूँ प्रॉब्लम्स, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स, मल्टी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप सीधे जाइए मेरे, आप जो है वो यूट्यूब पेज पे, वहाँ पे आपको सीधे सीधे मैं प्रॉब्लम शेयर कर दूंगा, इमेज बना के डाल दूंगा आपके लिए। आप कम्युनिटी पोस्ट देख लीजिए, वहाँ पे आपको मिलेगा सीधे सीधे। आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, क्वेश्चंस करिए, और देन उसके बाद मैं उसका लाइव सेशन दूंगा आपके साथ कि आपने कितना उसको सही किया और क्या आपके डाउट्स रहे। यानी मल्टी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स का मैं आपको लाइव भी लूंगा और रिकॉर्ड करके भी आपको दूंगा, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आपको करा सकता हूं उतना आपका फायदा होगा। तो आज नेम रिएक्शन के तीसरे लेक्चर को मैं फाइनली समराइज कर लेता हूं। समराइज करने का यह मतलब हुआ कि आपको नेम रिएक्शंस रीअरेंजमेंट का कैसे पढ़ना है और कैसे उसको रिटेन करना है और उसमें स्टेबल का क्या फायदा होगा वो आपको मैंने बताया। और अगर आपको ये टेबल आ गई और आपने उसका कंसेप्ट समझ लिया तो सारे रीअरेंजमेंट खत्म, रटा नहीं मारना आपको। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट होते जाओगे, ठीक, क्लियर। तो फाइनली वही बात मैं आपसे बोलूंगा कि आप जो है वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताइए, सिंसियरली फॉलो कीजिए सारे रिएक्शंस को, सारे लेक्चर्स को, और जितना ज्यादा आप ऑर्गेनिक को सिस्टमाइज करके पढ़ सकते हैं वो कोशिश करिए। मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ आपको, आपको कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोर्स पढ़ना है तो आप मेरे ऐप पर जाइए, वहाँ आपको कोर्स मिलेगा, उसको आप पढ़िए। पूरा कोर्स मैंने एक साथ प्रोवाइड कर रखा है, आप उसको एक साथ परचेज करके पढ़ सकते हैं। और बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, असाइनमेंट्स, स्टडी मटेरियल, उसके साथ सब कुछ इंटीग्रेट कर रखा है मैंने। जितना सिस्टमाइज करेंगे उतना आपको फायदा, ठीक। चलिए, सो अब हम जो है वो अपने नेमरेशन के फोर्थ लेक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। मुझे फॉलो करते रहिए, टू द पॉइंट चलते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताते रहिए कि वो हमको फॉलो करें, किस तरह से चलना है वो देखें, और जितना ऑर्गेनिक को स्प्रेड कर सकते हैं स्प्रेड करें, ओके। मेरी बात क्लियर हो गई होगी आपको, मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब जो आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ कंटेंट, उसको किस तरीके से बेस्ट फॉर्म में आपको ट्रांसलेट करना है ये आप तभी समझ पाएंगे जब आप उसको लिंक करके पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं अपने लेक्चर को रोकता हूँ, और आपको ये बिल्कुल मैं क्लियर कर दूं बेटा कि जितना आप सिंक्रोनाइज रहेंगे और स्टडी रहेंगे, कंटिन्यूअस रहेंगे हमारे साथ, उतना आपको फायदा होगा। चलिए, ओके, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, गुड डे।